जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज हम आए अपने गुरुजी के जिम में, चलो आपको मिलाते हैं अपने गुरुजी से। और हमने चरण स्पर्श करे अपने गुरु जिम के, और हम अब पूछते हैं गुरुजी से, बात करते हैं कि आज कौन सा वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद गुरुजी के पास आया हूँ। तो सारी बातें डिस्कस की हमने और फिर लिया गुरुजी का आशीर्वाद, और अब मैं अपना प्री वर्कआउट लेके हो जाता हूँ रेडी वर्कआउट के लिए। तो क्योंकि आप आज काफ़ी हैवी वर्कआउट होने वाला। तो अब हमारा वॉर्म अप और स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो गया था। तो अब मैंने गुरुजी से पूछा कि आज कौन सा बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करनी है। तो गुरुजी ने बताया कि आज चेस्ट करेंगे, और हमने बहुत सारी बातें भी करी, और मैंने बहुत सारी बातें बताई गुरुजी को, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गुरुजी के पास गया, तो काफ़ी खुश हो रहे थे गुरुजी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है फ्लैट बेंच। तो इसमें मुझे गुरुजी समझाते हैं कि इसे सही करने का तरीका क्या है। तो इसमें ना गुरुजी ने जो बताया था, मुझे ये बताया था कि थोड़ा स्लो नीचे लेके आना है और स्पीड से ऊपर लेके जाना है। अब मुझे गुरुजी बताते हैं जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो अब मैंने पूछा गुरुजी से कि जो पैरेलल बार डिप्स करते हैं, तो फेस को फ्रंट पे करके करें या बैक। तो गुरुजी ने बताया कि चाहे फ्रंट पे कर लो या बैक पे, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट मुझे जो बेटर पंप आता है वो बैक पे फेस करके आता है, तो इसीलिए मैंने बैक से परफॉर्म करी एक्सरसाइज। तो अब जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी केबल क्रॉस ओवर, और इसके साथ मैं एक और एक्सरसाइज थी वो थी पुल ओवर। तो ये हमें साथ में परफॉर्म करनी थी दोनों एक्सरसाइज, एक सेट क्रॉसओवर का, एक सेट पुलओवर का, एक सेट क्रॉसओवर, एक सेट पुलओवर। तो ऐसे करके हमने ये इस दोनों एक्सरसाइज के चार सेट करे कंप्लीट।
सो गाइस, ये मेरी YouTube की फर्स्ट वीडियो थी, तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी और गुरुजी के साथ वर्कआउट मेरा कैसा लगा आपको। अगर आपको वर्कआउट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। तो अगर अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, तो और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। जय श्री राम।